सुनिए कुछ ऐसा कर दे मेरे दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे के दिगार आँखों में, हमेशा नक्श रगे रो यार आँखों में, हमेशा नक्श रगे रो यार आँखों में। एक शेर पढ़ता हूँ एलएचएस की, मैं दुआएं हासिल करते हुए। सुने उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारे बाहर आँखों में, कि देखने की है सारे बाहर, जोर से कि देखने की है सारे बाहर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं गुजारिश करूंगा ये मिश्रा मेरे साथ आप जोर से पढ़ें। जितने लोग यहाँ बैठे थोड़ी थोड़ी आवाज बुलंद करें तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। जरा जोर से देखने की है सारे इस कलाम का मतलब की दुआओं के साथ सुने। फरमाते सरकार मुफ्ती आजम पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उस का रहेगा खुमार आँखों में, हमेशा उसका रहेगा खुमार आँखों में, के देखने सारे बाहर आँखों में। और सुनेंगे हुजूर सैयद अनस बिन साहिब कुबला की मौजूदगी है और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है हजरत के सामने पढ़ना, और ये गालिबन दूसरी बार मुझे ये मौका मिल रहा है हजरत के सामने नात खानी करने का। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, आले रसूल के चेहरे को आप अपनी निगाहों के सामने रखें, अपनी नजर में हजरत का चेहरा रखें। हाजिर करता हूँ एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मौलाना इंतखाब नाज़री साहिब कुबला और नकीब अहले सुन्नत बड़े भाई आफाक मुशायदी साहिब कुबला, बहुत अच्छे कलमकार बड़े अच्छे शायर हैं। हाजिर करता हूँ सुनिएगा। सुने वो सभी की खजा वो खजाने जगा मुस्तफा जाने दे की क्या बात है, वो सभी की है जा वो जाने जगा मुस्तफा जाने रहमत की क्या बात है, वो सभी की है जा वो जाने जगा मुस्तफा जाने रहमत की क्या बात है, मुस्तफा जाने रहमत की क्या बात है, सबसे पहले भी वो सबसे आखिर भी वो उनकी शान उनकी अजमत की क्या बात है, सबसे पहले भी वो सबसे आखिर भी वो उनकी शान उनकी अजमत की क्या बात है, सबसे पहले भी वो सबसे आखिर भी वो उनकी शान की अजमत। एक शेर पढ़ता हूँ।